जी अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को रमज़ान का चांद मुबारक हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाबी समोसे की रेसिपी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 250 ग्राम मैदे में नमक डालेंगे, थोड़ा आधा चम्मच अजवाइन हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मैदे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे क्योंकि हमें इसे खस्ता करना है। आप बटर भी डाल सकते हो और तेल भी डाल सकते हो, घी से बहुत अच्छे से क्रिस्पी होता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमें बहुत अच्छे से मिलाना है, दोनों हाथों से इस तरह से हमें खस्ता करना है इसे, ताकि हमारा समोसा बिल्कुल क्रिस्पी बने और खस्ता बने। अब ये इस तरह से दबाना है, जब ये इस तरह से टूटेगा ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा और ये इस तरह से टूटेगा, समझ लीजिए हमारा डो बनाने के लिए मैदा तैयार हो गया है। अब हम बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक ठीक सा डो बनाना है, बहुत कड़क डो बनाना है, नरम नहीं बनाना है। अगर हम नरम डो बनाएंगे तो हमारा समोसा नरम हो जाएगा और डो हमारा जितना कड़क होगा, जितना अच्छे से खस्ता होगा, उतना हमारा समोसा क्रिस्पी रहेगा। और जब तक समोसा रखोगे क्रिस्पी ही रहेगा। अब ये डो हमारा तैयार हो गया, 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे, तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। पैन में हम घी डालेंगे, एक चम्मच अदरक क्रश की हुई, एक चम्मच हरी मिर्च डालेंगे बारीक चॉप की हुई। हमें अदरक कद्दूकस से कर लेना है, बारीक चॉप करेंगे तो मुँह में आती है, इस तरह से मेल्ट हो जाती है। जब ये थोड़ी फ्राई हो जाए तो इसमें हम एक चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, एक चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। अगर आप कूटना नहीं चाहते हैं तो मिक्सर में दो बार चला लीजिए। हम उसी तरह से सिर्फ दो बार चलाना है, एक बार चला के बंद करना है, दूसरी बार ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें इसे खड़ा खड़ा रखना है। और अभी लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है ऑयल के साथ, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन ब्राउन। हम आधा चम्मच से कम हींग डालेंगे, बहुत ज़रा से हींग डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे और हमें इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ये काम करना है। जल जाएगा तो हमारा खाना सब कुछ ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें कोई चीज़ जलाना नहीं चाहिए। इस तरह से ये क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसमें आलू मैश करके डालेंगे। हमें बड़े के जैसा आलू नहीं चाहिए, हमें मोटे मोटे आलू चाहिए क्योंकि हम पंजाबी समोसा बना रहे हैं। अब इन मसालों के साथ मिला लेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे, जैसे सबसे पहले हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, अक्खी कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे, धनिया का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, और ये आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो ना भी डालिए, जैसे हम चाट मसाला डाले हैं तो आमचूर नहीं डाल सकते हैं, चलेगा। और यह आमचूर डाल रहे हैं तो चाट मसाला स्किप कर दीजिए, अगर दोनों डालना है तो दोनों डाल दीजिए, अच्छा फ्लेवर आता है। हम दोनों डाले हैं क्योंकि पंजाबी समोसे में एक टैंगी टेस्ट आना चाहिए। ये देखिए हमारा फीलिंग बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और यहाँ लाइट बहुत कम है किचन में, इसलिए हम कलर दिखा नहीं पा रहे, बहुत अच्छा इसका कलर है। और ये हमारा डो 10 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार है, ज़्यादा हमें सानना नहीं है, बस उसका रोल बना के और हमें छुरी से इसे कट कर लेना है। जितने बड़े हमें समोसे बनाना है उतना बड़ा हमें कट कर लेना है। अभी हम बहुत ज़्यादा बड़े समोसे नहीं बनाएंगे, एक पेड़ा बनाएंगे, उसके अंदर हम दो समोसे निकाल सकते हैं पट्टी में। अभी हम देखिए बना के बताते हैं, हमें गोल नहीं बनाना है इसे, थोड़ा लंबा बनाना है, ताकि हम बीच से कट करेंगे तो हमारे दो समोसे तैयार हो जाएंगे। ये बहुत कड़क है, ऐसा लग रहा है जैसे नरम है लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा कड़क है। अगर नरम करेंगे तो हमारा क्रिस्पी नहीं बनेगा, और कड़क है तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो हमें इस तरह से सब जगह से दबा दबा के इसे
बेलना है, और बहुत पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम करना है हमें ये काम। अब हम इसे कट कर लेंगे बीच से। ये हमारे दो समोसे की पट्टी बन के तैयार हो गई है, और एक हम पहले बेल के रखे, इसे भी हम कट कर लेंगे अभी। इसी तरह से हम सारे समोसे की पट्टी बना सकते हैं। ये हमारी फिलिंग तैयार है, अब हम समोसे बनाते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, बहुत इजी है समोसा बनाना, आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत इजी सब कुछ बनाना, बस हमें पानी लगाना है। ये दोनों कोने हमें ऊपर भी मिलाना है, तो नीचे एक कोना बन जाएगा इस तरह से। ये दोनों कोना पकड़ लेना है, अंदर उंगली डाल के हमें इस तरह से ऐसे पूरी लाइन को दबा देना है इस तरह से। अब ये हमारी बन के तैयार हो गए हैं मैदे की कटोरी। अब इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग, और बहुत इजी है बनाना, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, और आप लोग बहुत अच्छा अच्छा बना सकती है समोसा, और बहुत ही इजी है बनाना। ये बस कोने से दबाते जाइए इस तरफ से। अब हमें एक प्लेट्स डालना है पीछे इस तरह से, और ये प्लेट्स बहुत ज़रूरी होती है, ये समोसे की खूबसूरती है। और प्लेट्स डालने के बाद समोसे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब इसे बैठाने के लिए हम थोड़ा दबा देंगे ताकि हमारी प्लेट में बैठ जाए इस तरह से। और आप इसे किसी भी आकार से बना सकते हैं, लेकिन पंजाबी समोसा बना रहे हैं तो हम इसी तरह से बना के बताएंगे आपको। बस हमें इस तरह से पानी लगाना है, ये दोनों कोनों को इस तरह से मिलाना है, और अंदर से हम बस इस हिस्से को दबाते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। बस हो गया हमारा। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। तो हम दो समोसे आपको बना के बता दिए, बहुत इजी है बनाना, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। ये बस पानी लगाना है, पानी इसलिए लगाना है कि वो चिपक जाए वरना खुलेगा। ये देखिए, बस एक पट्टी देना पीछे, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होता है ये, और बहुत ही इजी तरह से बन जाता है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए, एक ही तरह के सब बने हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। और हम इसमें मटर भी डालते हैं, या काजू डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप आलू के साथ डाल सकते हो। अभी हम प्लेन बनाए हैं। अब हमारा ऑयल गरम करेंगे। पहले ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है, बस गरम हो जाए, और हमें फ्लेम थोड़ी लो करके ही डालना है। और अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम फुल पे ऑयल गरम रहेगा डाल दोगे तो हमारे समोसे फट से जल जाएंगे और क्रिस्पी सही से हो नहीं पाएंगे, और अंदर भी कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें पहले फ्लेम लो करके डालना है, और हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहना है। जब हम पलट देंगे तब फ्लेम थोड़ी फुल करेंगे, और बस हमें सिर्फ पलटते जाना है इस तरह से, बार बार हमें पलटते रहना है, एक ही तरफ नहीं छोड़ना है। जब तक हमारे गोल्डन फ्राई ना हो जाए ना, तब तक हमें बस इसी तरह से पलटना है। देखिए, ये बिल्कुल गोल्डन हो गए, और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं ना कि आप ऐसे दबाओगे तो चर 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 आवाज़ आएगी, और इसकी जो क्रिस्पी है वो बना रहता है जब तक समोसा रहता है। और हम इसकी बहुत ही लाजवाब सी समोसे की चटनी भी बनाने वाले आगे, अब देखते रहिए वीडियो को पूरा। ये हमारे समोसे तैयार हो गए। अब इसे आप पेपर या टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए ताकि इसके जो तेल है वो पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से हमें निकाल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही गोल्डन फ्राई हुए है। जब हम इसे लाइट में ले जाएंगे तब आप देखिए, यहाँ पे लाइट बहुत कम है किचन में। अब हम इसकी लाजवाब सी चटनी तैयार करेंगे। हरा धनिया ले लेंगे, इसमें तीन हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन की दो चार कलियाँ डालेंगे, और ये हमारा गाठिया डालेंगे पैकेट वाला। इसमें अजवाइन भी होती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसकी चटनी से। बस हमें अब हम इसमें नमक डालेंगे, पानी डाल के इसे पीस लेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी, दुआ भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।